उपस्थित आदरणीय सचिव महाराज जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महाराज जी, आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावक तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। आज हम सभी यहाँ पर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा देश आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज सरकार के शासन से आज़ाद हुआ था। हमारे देश को स्वतंत्र बनाने में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान रहा है। आज मैं उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगत सिंह की छोटी सी जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका जन्म पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। वे 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब के क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। उन्होंने बचपन की पढ़ाई DAV स्कूल से पूरी की तथा 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारियां होने लगी तो वे लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह हमारे लिए हमेशा ही एक आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों और लेखों से उनके विचारों का पता चलता था। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण आए दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के किसी कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा था जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वे जीवित रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उनकी सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अध्यक्ष में अधिकारी JP सैंडर्स को मारा। इस कार्रवाई में उनके क्रांतिकारी साथी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। उसके पश्चात भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद उन्होंने वहीं पर अपनी गिरफ्तारी भी दी। इसके बाद भगत सिंह को और उनके दो अन्य साथी राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के षड्यंत्र के इस मुकदमे में एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह ने कहा था कि वे मुझे मार सकते हैं परंतु मेरे विचारों को नहीं, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं परंतु मेरी आत्मा को नहीं। भगत सिंह की शहादत से न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली बल्कि वे नव युवकों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन गए। आज सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता और सम्मानता से याद करता है। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।